हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ मेथी चना दाल की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप दाल ली है, जिसे मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दिया था। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं दाल बनाने के लिए। गैस पर मैंने एक कुकर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे दाल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है जिसमें दाल एकदम अच्छे से डूब जाए। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे और 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। दूसरी तरफ गैस पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच तेल। मैंने यहाँ सरसों का तेल का यूज किया है, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पात। हमने इसमें ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डाले हैं, नॉर्मल मसाले ही यूज किए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। सभी मसाले हल्के फ्राई हो गए हैं और जो लहसुन है वो भी हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें, जिसे मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। हरी मिर्चों का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पर एकदम बारीक चॉप किया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे कुछ देर और फ्राई कर लेना है। सभी चीज़ों को 1 मिनट तक और फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और नमक को हम टमाटर में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों में। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम सभी मसालों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और मिर्ची भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी कम लाल मिर्च डाली है। दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मेथी ली है, जिसे मैंने 4 से 5 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम सभी मसालों में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी को मैंने एकदम अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसके डंठल को हटा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेथी को हमने मसालों के साथ लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लिया है और मेथी हल्की सॉफ्ट हो गई है। दोस्तों, 3 सीटी आ गई है, कुकर को हम खोल लेंगे। कुकर की भाप भी ख़त्म हो गई है, आप देख सकते हैं जो दाल है वो एकदम अच्छे से गल गई है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, दाल एकदम सॉफ्ट हो गई है। जो हमने मेथी का मसाला तैयार किया था उसमें हम इस दाल को ऐड कर लेंगे। दाल को हम सभी मसालों में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, लेकिन हम इसे नॉर्मल वे में बना रहे हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये ऐसे भी। लेकिन अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को मैंने कुकर में ही गर्म कर लिया था। ध्यान रहे, पानी को ऐड करते वक्त हमें गर्म पानी ही ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी इसमें ऐड किया है। पानी को हम दाल में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड कर लेने के बाद इसे हम 1 मिनट तक और पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस दाल में। दोस्तों, इस तरह से बनाई गई ये जो दाल है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इस तरह से एक बार बनाकर खा लेंगे ना, तो बार बार इसी तरह से बनाकर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। दोस्तों, हमारी मेथी दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें फाइनल टच ऐड करेंगे। इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया को मैंने बारीक कट कर लिया है और इसे हम दाल में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस गर्मा गर्म दाल को सर्व कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन दाल बनी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इस दाल को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म दाल है और बहुत ही बढ़िया बनी है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखिएगा।
और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।